हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चमेला जानावा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे अपन आर के नारायण का नॉवल द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, देखिए थोड़ा पहले नारायण जी के जीवन परिचय के बारे में देख लीजिए। देखिए, राशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इनका जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1906 तथा मृत्यु हुई 13 मई 2001 को। कॉमनली नोन एज आर के नारायण वाज एन इंडियन राइटर नोन फॉर हिज वर्क सीट इन दी फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। ही वॉज ए लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलोंग विथ मलकार खाना एंड राजा राय। देखिए, इनका पूरा नाम था राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जो कि कॉमनली नोन एज आर के नारायण वॉज एन इंडियन राइटर फॉर हिज वर्क सेट इन फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। ठीक है, ही वॉज ए लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इंग्लिश अलॉन्ग विथ मुल्कराज आनंद और राजा राव। ठीक है, देखिए अब इनके जीवन परिचय को स्टार्ट है, जिसमें देखिए पूरे मतलब इनका जन्म हुआ था राशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में, जो कि चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 13 मई 2001 को 94 वर्ष की आयु में चेन्नई तमिलनाडु इंडिया। ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन था राइटर। नेशनलिटी थी इंडियन। एमए मैटर था महाराज कॉलेज मैसूर। जेनरी थी इनकी फिक्शनल माइथोलॉजी नॉन फिक्शन। नोटेबल इनको अवार्ड मिले थे पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, बेंशन मैडम अवार्ड के पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड, बेंशन मेडल। स्पाउस थी इनकी राजम 1934 में, इनकी शादी हुई और मर गई जो 1939 में। चिल्ड्रन था हेमा नारायण, एक बच्ची थी इनकी जिनका नाम था हेमा नारायण। रिलेटिव थी आर के लक्ष्मण, जो उनका भाई है। ठीक है, देखिए नारायण मेंटोर एंड फ्रेंड ग्राहम ग्रीन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिशर्स फॉर नारायण फर्स्ट 4 बुक्स इंक्लूडिंग द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। देखिए नारायण मेंटोर एंड फ्रेंड का ग्राहम ग्रीन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिशर्स फॉर नारायण फर्स्ट 4 बुक्स इंक्लूडिंग द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी। इनमें तीन ये सेमी एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स डिवेलपर द इंग्लिश टीचर। ठीक है, द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। किसमें इंट्रोड्यूस हुआ पहले? मालगुडी स्वामी एंड फ्रेंड्स में। नारायण द फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाज हेल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ऑरिजिनल वर्क्स ऑफ 1951 एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर द गाइड। गाइड के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। वाज एडेप्टेड फॉर फिल्म, जिस पर फिल्म भी बनी हुई है, विनिंग ए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट इन ब्रॉड वे। ठीक है, नारायण हाईलाइट्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट द एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर्स। ही हैज बीन कंपेयर टू विलियम फॉकनर हु आल्सो क्रिएटेड ए सिमिलर फिक्शनल टाउन एंड लाइकवाइज एक्सप्लोर विद ह्यूमर एंड कंपैशन द एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। देखिए नारायण हाईलाइट्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर। ही हैज बीन कंपेयर टू विलियम फॉकनर से इसकी तुलना की गई है। हु आल्सो क्रिएटेड ए सिमिलर फिक्शनल टाउन एंड लाइक वाइज एक्सप्लोर्ड विथ होमियर इन कंपेशन द एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। नारायण शॉर्ट स्टोरीज हैव बीन कंपेयर्ड विथ दोज ऑफ गेडी मोसपैन बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू कंप्रेस ए नैरेटिव। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए इन ए करियर दैट स्पेंड ओवर 60 ईयर्स नारायण रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स एंड हॉनर्स इंक्लूडिंग द
एसी बेंजन मेंडल फॉर द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर पद्म भूषण एंड द पद्म भूषण इंडिया सेकेंड एंड थर्ड एट सिविलियन अवार्ड एंड 1994 द साहित्य अकेडमी फेलोशिप द हाइएस्ट ऑनर ऑफ इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स. ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट. देखिए इनका अवार्ड है. एंड ए करियर दैट स्पेन ओवर 60 ईयर्स नारायण रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स एंड ऑनर इंक्लूडिंग द ए सी बेंजोन मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर. है ना, रॉयल सोसाइटी लिटरेचर के लिए ए सी बेंजोन मेडल. इन्हें मिला पद्म विभूषण और पद्म भूषण, जो कि भारत के सेकेंड और थर्ड सबसे बड़े अवार्ड हैं. और 1994 में उसे साहित्य अकेडमी फेलोशिप दी हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया नेशनल अकेडमी और इन्हें राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया, जो कि इंडिया की पार्लियामेंट का अपर हाउस मतलब उच्च सदन है. अब देखिए नेक्स्ट. देखिए दी बैचलर ऑफ आर्ट, अभी इनका आपके सिलेबस में उनका नॉवल दी बैचलर ऑफ आर्ट, उनके बारे में देखिए. दी बैचलर ऑफ आर्ट इज ए नॉवल रिटन बाय आर के नारायण. इट इज द सेकेंड बुक ऑफ ट्रायलॉजी दैट बिगिंस विद स्वामी एंड एंड्स द इंग्लिश टीचर. इट इज अगेन सेट इन मालगुडी द फिक्शनल टाउन. है ना, मतलब जो स्वामी आर के नारायण की ट्रायलॉजी की थी उसकी सेकेंड बुक है दी बैचलर ऑफ आर्ट्स. ठीक है, दी बैचलर ऑफ आर्ट इज ए नॉवल रिटन आई आर के नारायण. इट इज द सेकेंड बुक ऑफ ट्रायलॉजी दैट बिगिंस विद स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड एंड्स विद द इंग्लिश टीचर. इट इज अगेन सेट इन मालगुडी द फिक्शनल टाउन. ठीक है, द स्टोरी डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन ऑफ एन एडोलेसेंट माइंड इन टू एडल्टहुड इन द हार्ट ब्रेक विच ए यूथ फेसेस. देखिए इसकी स्टोरी देखिए बैचलर ऑफ आर्ट की. द स्टोरी डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन ऑफ एन एडोलेसेंट माइंड इन टू एडल्टहुड इन द हार्ट ब्रेक विच इज ए यूथ फेसेस. इट रिवॉल्व अराउंड ए यंग मैन नेम्ड चंद्रन के चारों ओर ये कहानी घूमती है. इट रिवॉल्व अराउंड ए यंग मैन नेम्ड चंद्रन हु रिजेंबल्स एन इंडियन अपर मिडिल क्लास यूथ ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस एरा. ठीक है, फर्स्ट चंद्रन कॉलेज लाइफ इन लेट कॉलोनियल टाइम्स इज डिस्क्राइब्ड. आफ्टर ग्रेजुएशन ही फॉल्स इन लव विद ए गर्ल बट इज रिजेक्टेड बाय ब्राइड्स पेरेंट्स. ठीक है, सिंस हिज हॉरोस्कोप डिस्क्राइब हिम एज ए मांगलिक ए कंडीशन इन विच ए मांगलिक कैन ओनली मेरिट टूगेदर अनदर मांगलिक एंड इफ नॉट द नॉन मांगलिक विल डाई. मलाठी द गर्ल विथ हुम चंद्रन फॉल्स फ्रॉम कॉलेज इज दे मैरिड टू समवन एल्स. ठीक है, ये स्टोरी देख लिया आपने. अब आगे देखिए. अब देखिए इसकी नेक्स्ट नॉवल की नेक्स्ट स्टोरी. चंद्रन इज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रोकन टू द एक्सटेंट दैट ही गोज टू मद्रास एंड स्टार्ट लिविंग ऑन स्ट्रीट्स. ठीक है, फेमिस्ट डिल्यूजेंड एंड फुल ऑफ सेल्फ पिटी ही एंड्स अप वांडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आल्सो फ्रस्ट्रेटेड एंड डेस्परेट ही देन एम्ब्रेक्स ऑन ए जर्नी एज सियांसी. On his journey, he meets many people and he is also misunderstood as a great sage by some villagers. After 8 months, he thinks of what means he has become and thinks about his parents. Due to the complications and the realization, he decides to return home. He takes up a job as a new servant and decides to marry in order to please his parents. थिंकिंग ऑफ द डिसकम्फर्ट ही एट कॉज द अर्लियर. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट. इवन आफ्टर रिटर्निंग होम ही इज स्टिल अनएबल टू गेट मलाठी आउट हिज हेड कम्प्लीटली एंड दो ही ट्राइज हार्ड द पिक्चर्स एंड मेमोरीज ऑफ हर की हॉन्टिंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम.
After a long time, his father comes to him with a proposal of marriage to another girl, Sushila. Chandra is still skeptical about love and marriage and initially refuses, but later decides to see the girl. When he goes on to see the girl, he ends up falling in love with her. ठीक है, अब ये है यहाँ पर स्टोरी, आपको इसे लर्न करना है।